एक्सरसाइज चार ऑप्शंस हैं। आई यही है ना पहला, या पहले जाते हो कि मैं वो एक्सरसाइज पूरा रोज रिपीट कराऊं, रोज रिपीट कराऊं। चलो हाँ, रूल फोर, रिमेंबर अनीता और अनिल के मम्मी का आज बर्थडे है, भाई बहन है। अनीता और अनिल भाई बहन है और उनकी मम्मी का आज बर्थडे है। अनीता अनिल को रिमाइंड कर रही है, अनीता अनिल को रिमाइंड कर रही है, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना, यानी अनीता अनिल को याद दिला रही है कि आज मम्मी का बर्थडे है। याद दिलाने की क्रिया को रिमाइंड कहते हैं, याद दिलाने की क्रिया को रिमाइंड कहते हैं। अनीता ने अपने भाई अनिल को रिमाइंड किया, याद दिलाया। याद दिलाते हुए अनीता यह वाक्य बोली, प्लीज। देखो उसका जो एक्शन है ना वो है रिमाइंड करना। मैंने उसको कहा कल याद रखना, ये वाला काम तुम्हें करना है, तो मैंने उसको याद दिलाया। क्या कह के याद दिलाया वो बात की बात है, मैंने उसको याद दिलाया। याद दिलाना रिमाइंड है, पर जब मैं उससे बात करूंगी मैं कहूंगी याद रखना, रिमेंबर टू, तुम याद रखना कल तुम्हें जल्दी आना है, तो मैं उसको कहूंगी रिमेंबर टू कम अर्ली टुमारो। वो तो रिमेंबर है, बट मैं कर क्या रही, ऐसा कह के उससे कि याद रखना कल तुम्हें जल्दी आना है, ये पूरा क्या कर रही हूं मैं, याद दिला रही हूं, वो रिमाइंड है। याद दिलाना रिमाइंड है, पर मैं जिस व्यक्ति को याद दिला रही हूं उससे कहूंगी याद रखना, याद रखना कल जल्दी आना है, रिमेंबर टू कम अर्ली टुमारो। अंडरस्टूड? मैंने सुनीता को रिमाइंड किया और मैंने सुनीता को रिमाइंड करते हुए उससे कहा रिमेंबर टू कम अर्ली टुमारो। अब स्थिति क्लियर है? नॉट क्लियर? ध्यान इधर दिया करो, मत को भटकने देती हूँ ध्यान। भाई मैंने जो किया वो रिमाइंड है, पर रिमाइंड करते हुए मैं सामने वाले को क्या कहूंगी, याद रखना वो रिमेंबर टू है। फिर और क्या नहीं समझ में आया, यही तो बात ही तो किया मैंने। हाँ नहीं पूछो, रिमाइंड क्यों मैंने कही नहीं? हाँ तो डाउट है वो पूछो। We remind someone. हम किसी को याद दिलाते हैं, हम कभी भी रिमाइंड तू नहीं करते, रिमाइंड के बाद तू नहीं आएगा, रिमाइंड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, रिमेंबर के बाद तू आ सकता है क्योंकि तू के बाद क्रिया आएगा, रिमेंबर तू कम अर्ली टुमारो। रिमाइंड तो हम व्यक्ति याद किसको दिलाएंगे, किसी व्यक्ति को, तो वो रिमाइंड तू नहीं आएगा। रिमाइंड डायरेक्ट, रिमाइंड क्रिया में तू छुपा हुआ है, यू लिखी रिमाइंड क्रिया में
टू प्रेपोजिशन छुपा हुआ है क्योंकि रिमाइंड का मतलब ही है किसी व्यक्ति ने किसी और को याद दिलाया। किसी व्यक्ति ने किसी और को याद दिलाया। क्या हम अपने आप को कभी कुछ याद दिलाते? क्या हम कभी अपने आप को कुछ याद दिलाते? मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ आजकल, पेस्ट्री की दुकान पे जाती हूँ, बढ़िया चॉकलेट पेस्ट्री सामने, और उसको खरीदने हाथ बढ़ाती हूँ, फिर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, अरे अपन तो डाइटिंग में है, निखाना ही। I wanted to eat the pastry. मैं पेस्ट्री खाना चाहती थी, in the tempting जो था, but I reminded myself that I was on a diet. Remind में मैं क्यों समझाने? Remind में तू नहीं आएगा, व्यक्ति आएगा। वो व्यक्ति कोई और हो सकता है, वो व्यक्ति अपन खुद भी हो सकते हैं कि अपन अपने आप को याद दिला रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो। रिमाइंड शब्द के अंदर टू प्रेपोजिशन पहले से छुपा हुआ है। रिमाइंड वर्ब के अंदर, रिमाइंड वर्ब के अंदर पहले से ही टू टीओ टू प्रेपोजिशन, टीओ टू प्रेपोजिशन छुपा हुआ है। इसलिए रिमाइंड के बाद टू नहीं आता, इसलिए रिमाइंड के बाद टू नहीं आता। रिमाइंड के बाद हमेशा पर्सन आता है। रिमाइंड के बाद हमेशा पर्सन आता है, पर्सन आता है। वो पर्सन कोई दूसरा हो सकता है, वो पर्सन कोई दूसरा हो सकता है, वो पर्सन कोई दूसरा हो सकता है, या वो पर्सन हम खुद हो सकते हैं। हम अपने आप को भी कुछ याद दिला सकते हैं, हम किसी दूसरे को भी कुछ याद दिला सकते हैं। लिखो, हम किसी दूसरे को भी कुछ याद दिला सकते हैं और हम खुद को भी कुछ याद दिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं डाइटिंग पे हूँ, यदि मैं डाइटिंग पे हूँ, DIETING, यदि मैं डाइटिंग पे हूँ और मैं पेस्ट्री की दुकान पे जाती हूँ और मैं पेस्ट्री की दुकान में जाती हूँ और पेस्ट्री खाने का मन करता है और पेस्ट्री खाने का मन करता है तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ। अपन तो डाइटिंग कर रहे हैं,
अपने को नहीं खाना। आई रिमाइंडेड माई सेल्फ दैट आई वॉज ऑन अ डायट। याद रखो, आई एम डायटिंग, आई एम ऑन अ डायट, आर्टिकल एंड प्रपोजिशन। आई एम डायटिंग, दी आई एम आई एच ई वर्ब डायटिंग, या आई एम ऑन अ डायट, ऑन अ डायट। समझ में आई? हाँ, तो अब हम किसी और को याद दिला सकते हैं। आई रिमाइंडेड मोहन, मैंने मोहन को रिमाइंड किया टू कम अर्ली द नेक्स्ट डे। टू के बाद फिर फर्स्ट कब आएगा? ये क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ू? ओके। अनिल नहीं, हम यहां पे थे। अनीता ने अपने भाई अनिल को याद दिलाया। तो अनिल कैसे बनेगा सुषमा सेंटेंस? अनिल, हाँ बोलो, टेंस क्या है? हाँ, कौन सा टेंस? हाँ, तो बनाओ सेकंड फॉर्म। अनिल, हाँ मोहन, अनिल रिमाइंडेड जो भी वो व्यक्ति है, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। टू नहीं आएगा, व्यक्ति आएगा। अनिल ने अपने भाई, सॉरी अनीता ने अपने भाई अनिल को याद दिलाया। तो अनीता रिमाइंडेड अनिल, है ना? याद दिलाते हुए अनीता यह वाक्य बोली। याद दिलाते हुए अनीता यह वाक्य बोली, प्लीज रिमेंबर टू विश हर टुडे। प्लीज रिमेंबर टू विश हर टुडे। प्लीज याद रखना। रिमेंबर के बाद टू, और रिमाइंड के बाद पर्सन। अनिल रिमेंबर्ड, याद रहा। अनिल को याद रहा। किसी को कुछ याद रहा इज इक्वल टू रिमेंबर्ड। किसी, लिखो, किसी को कुछ याद रहा, किसी को कुछ याद रहा, किसी को कुछ याद रहा, इज इक्वल टू रिमेंबर्ड टू, रिमेंबर्ड टू, यानी उसको ये काम करना याद रहा। रिमेंबर्ड टू विश हिज मदर, रिमेंबर्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। Remember to plus first form. अब अनिल को, अब इस बात को समझो, अब टेढ़ा है। Remember to wish, remembered wishing, इधर ही तो फंस रहे हो। Remembered to wish, remembered to wish, दूसरा remembered wishing, यहां आके अटक रहे हो तुम लोग, है ना? यही आके अटक रहे हो। अब listen, I remembered to wish my mother, मेरे को याद रहा और मैंने वो काम किया। I remember to wish my mother, I remember to wish my mother, I remember wishing कब आएगा? I remember wishing तब आएगा जब कोई
हमें डाउट में डाल देता है कि अभी तुमने तो ये काम किया ही नहीं, तब मैं उससे कहूंगी नहीं मुझे बहुत अच्छी तरह से ये याद है कि मैंने ऐसा किया था, तुम मुझे टोक रहे हो, तुम मुझे टोक रहे हो कि आपने तो मिशन नहीं किया। और मैं कहती हूँ अरे मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने किया था। अब यहाँ आएगा आई रिमेम्बर मिशन, मैं तुम्हारी बात को काट रही हूँ कि नहीं मैंने ऐसा किया था, रिमेम्बर विशिंग, बट जस्ट मैंने उस किसी को विश किया, रिमेम्बर टू विश, आज उसकी बर्थडे थी, आई रिमेम्बर, जब हुआ मुझे याद रहा मैंने उसको विश कर दिया, आई रिमेम्बर टू विश, अच्छा हुआ मुझे याद रहा कि आज उसकी बर्थडे, आई रिमेम्बर टू, पर वो घटना ही खत्म हो गई, बर्थडे बर्थडे सब निकल गया। फिर तुम कहते हो अरे आपने उसको विश नहीं किया, क्या बहुत बुरा मान गई, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं आई रिमेम्बर विशिंग कर, तुम कैसे कह रही हो कि मैंने उसको विशिंग नहीं किया, आई रिमेम्बर विशिंग कर, और फिर मैं कहती हूँ आई रिमेम्बर टू विश कर दैट डे, रिमेम्बर टू तो हाथों हाथ वाला एक्शन है, रिमेम्बर विशिंग बाद की बात है, मुझे ऐसा याद है कि मैंने ऐसा किया, वो आई रिमेम्बर विशिंग, आई रिमेम्बर्ड विशिंग, व्हाटएवर, उसने मुझे टोका था दो दिन पहले, बट आई तो रिमेम्बर्ड विशिंग, एक्सरसाइज करूंगी ना, मैंने इसीलिए इसमें कम से कम आई थिंक 100 सेंटेंसेस तो दिए होंगे, 70-80 तो दिए होंगे, अभी करूंगी अभी बैठ जाएगा, अंडरस्टूड, हाँ, उसके बाद भी 18 है, 57 के बाद भी है, और मैंने तुमको बहुत सारे सिचुएशंस देके सेंटेंसेस कराए, अभी करो 70-80 है ये देखो एग्जांपल्स मैंने तुमको 17 दिए, एग्जांपल्स 17 दिए, 17 दिए क्या, और 17 के बाद गिनो कि मैंने तुमको कितने एग्जांपल्स दिए, 57 है प्लस 17 है प्लस दो दो तीन तीन अलग अलग दे रखे हैं, तुम्हारे पास लगभग 90 या 100 सेंटेंसेस हैं, कित लो अभी अभी करो, पहले मेरे दिए हुए एग्जांपल्स करो, यहां तक क्लियर हो गया, प्लीज रिमेंबर टू विश हर टुडे, अनिल रिमेंबर्ड टू विश हिज मदर, यानी इस सेंटेंस का मतलब होता है अनिल ने याद से अपनी मां को विश कर दिया, हिंदी लिखो अनिल ने याद से अपनी मां को विश कर दिया, अनिल ने याद से अपनी मां को विश किया, अनिल ने याद से अपनी मां को विश किया, दिस इज क्लियर, अनिल रिमेंबर टू विश हिज मदर, ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब है कि अनिल अपनी मदर को विश करना भूला नहीं, अनिल ने याद से अपनी मां को विश किया, मैं लिख देती हूँ उसमें, ये ज्यादा इजीली समझ में आ रहा है, अनिल ने याद से अपनी मां को विश किया, क्लियर, अब एक्शन वन, थैंक यू, अनिल रिमेंबर्ड, अनिल रिमेंबर्ड, अनिल ने याद किया, अरे हाँ आज मम्मी का बर्थडे है मुझे याद रखना है, रिमेंबर करना है, अनिल को तो रिमेंबर करना है, और उसकी बहन ने उसको रिमाइंड किया, रिमेंबर करना है कि मुझे मम्मी को विश करना है,
action too, Anil wished his mother. अनिल मम्मी को विश करना नहीं भूला, उसने मम्मी को विश कर दिया. अनिल रिमेम्बर्ड टू विश हिज मदर. अनिल रिमेम्बर्ड टू विश हिज मदर. अनिल रिमेम्बर्ड टू विश हिज मदर. अब शाम को अनीता और अनिल मिलते हैं. बर्थडे के दिन ही शाम को अनीता और अनिल मिलते हैं. अनीता दोबारा अनिल को याद दिलाती है. तो क्या करती है सुषमा? अनीता रिमाइंड्स अनिल, है ना, आज मम्मी का बर्थडे है, तुमने मम्मी को विश ही नहीं किया. अनीता अनिल को रिमाइंड कर रही है. यहां तक सबको क्लियर है? अनिल जवाब में कहता है कि मैंने विश किया तो था, विश तो किया था मैंने. आई रिमेम्बर्ड टू विश मदर, मैंने याद से मम्मी को विश कर दिया था. मैंने याद से मम्मी को विश कर दिया था. मैंने याद से मम्मी को विश कर दिया था. इज दिस क्लियर? अनीता कहती है कहां किया? मेरी मम्मी से बात हुई थी, मम्मी ने तो नहीं कहा कि अनिल का फोन आया. तुम विश करना भूल गए होगे. अब वो उसकी बात काट रही है कि तुम विश करना भूल गए होगे. अब अनिल कहता है आई रिमेम्बर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ऐसा किया था. आई रिमेम्बर विशिंग हर टूडे, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने विश किया था. इज दिस क्लियर? ये सारी सिचुएशन क्लियर है? अनिल विश्ड हिज मदर, अनिल ने अपनी मम्मी को विश किया. अनिल विश्ड हिज मदर, अनिल ने अपनी मम्मी को विश किया. अनिल रिमेम्बर्स, अनिल को याद है दैट ही हैज ऑलरेडी विश्ड हिज मदर. अरे मैं विश कर चुका हूं, ही हैज ऑलरेडी विश्ड हिज मदर. अनिल रिमेम्बर्स विशिंग हिज मदर, अरे मैंने किया था, मैंने किया था. ही रिमेम्बर्स विशिंग हिज मदर. वो कहता है आई रिमेम्बर विशिंग हर. तुम कैसे कह रही हो कि मैंने विश नहीं किया? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने विश किया. आई रिमेम्बर विशिंग. थोड़ा बहुत क्लियर है ये? जब पहले याद करना हो और बाद में काम करना हो, एक्शन वन इज टू रिमेम्बर, एक्शन टू इज टू डू दैट थिंग. रिमेम्बर टू कम हियर अर्ली टुमारो. पहले तो याद रखो कि तुम्हें कुछ करना है. दूसरा, फिर उस काम को याद करो कि कौन सा काम करना है तुझे. रिमेम्बर याद रखना, कल जल्दी आना है. उसको याद रखना पड़ेगा कि कल उसको यहां जल्दी आना है. वो पहला एक्शन रिमेम्बर है, फिर टू लगकर वर्ब लग जाएगा. क्या दैट्स नॉट क्लियर? अनिल रिमेम्बर टू विश हिज मदर. जब पहले काम हो जाए और उसे बाद में याद करें. द वर्क हैज बीन डन,
एक्शन टू इज टू रिमेंबर वेदर द वर्क इज डन और नॉट, किया था या नहीं किया था, हमें कोई डाउट में डाल देता है, शायद तुम विश करना भूल गए, उसका उसका मूड ऑफ था तो उसने तो मुझे विश ही नहीं किया, बात की बात है ये, तब हम कहते हैं नहीं मैंने तो विश किया था, आई रिमेंबर विशिंग। उसी तरह से अनिल रिमेंबर्स विशिंग हिज मदर, उसने तो किया था भाई, अब मम्मी भूल गए वो उस मम्मी की प्रॉब्लम है, अपन ने तो विश कर दिया था, आई रिमेंबर विशिंग मदर। कुछ चीजें अब ये काम का है तुम्हारे, कुछ चीजें हमारे मेमोरी में होती हैं कि मैंने ऐसा किया था, या मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ऐसा किया, तुम कह रही हो कि फलानी पार्टी में तुम उससे मिले, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से वहां मिला, आई डोंट रिमेंबर मीटिंग, आई रिमेंबर मीटिंग हर एट दैट पार्टी, मेरी मेमोरी में है, आई रिमेंबर आई एन जी का मतलब मेरी मेमोरी में कुछ बातें पड़ी है। अब जब तुम मुझे याद दिला रही हो तो हाँ मुझे याद आ रहा है, रिमेंबर प्लस आई एन जी वर्ब। कुछ चीजें हमारी मेमोरी में होती हैं भले वो अभी हमारे थॉट्स में ना हो, या नहीं है तो कहीं पड़ा है वो, है ना, मेमोरी में, जब कोई हमें रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है, याद है उससे मिले थे उस पार्टी में, तब अपन कहते हैं हाँ आई रिमेंबर मीटिंग, अरे मुझे याद ही नहीं, आई डोंट रिमेंबर मीटिंग। तो इसलिए जब कोई हमें रिमाइंड कराता है यानी याद दिलाता है तो वो मेमोरी में पड़ी बातें उठकर हमारे थॉट्स में वापस आती है, यह रिमेंबर है, आई रिमेंबर मीटिंग हर, मेमोरी से उठाई गई चीज, रिमेंबर प्लस आई एन जी वर्ब, क्लियर। इसके साथ टू प्लस वी वर्ब लग सकता है कुछ स्थितियों में और रिमेंबर प्लस आई एन जी वर्ब लग सकता है अन्य स्थितियों में, तो मैं दोनों स्थितियां क्लियर हो गई, मैंने बहुत लंबा थोड़ा डिटेल में समझा दिया। एग्जाम्पल, आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, यानी मेरी मेमोरी में ये बात पड़ी है कि मैंने दरवाजे को ताला तो लगाया है, मेरी मेमोरी में ये बात है ना। आई रिमेंबर्ड टू लॉक द डोर दिस मॉर्निंग, अच्छा हुआ मैं कभी कभी क्या है घर से चला जाता हूँ बिना ताला लगाए, आज सुबह मुझे याद रहा ताला लगाना, याद रखना और फिर उस काम को करना। आई रिमेंबर्ड टू लॉक द डोर दिस मॉर्निंग, प्लीज रिमेंबर टू एम्प्टी योर पॉकेट्स बिफोर वॉशिंग योर जीन्स, अपने जीन्स धोने से पहले याद रखना जेबें खाली करनी है, नहीं तो नोट वोट भूल जाएंगे, है ना। रिमेंबर टू, सेंस क्लियर है, आई अभी हाँ मुझे याद है मैंने वो पिक्चर देख रखी है, क्या आएगा आई एच जी आएगा, हाँ हाँ मेरे मेमोरी में पड़ा है मैंने वो पिक्चर देख रखी है, आई रिमेंबर वॉचिंग दैट मूवी, इट वॉज सो फनी, द विटनेस टोल्ड द पुलिस, विटनेस ने, विटनेस हम जानते हैं ना, विटनेस ने पुलिस को बयान दिया कि मेरी मेमोरी में ये बात पड़ी हुई है कि मैंने उस औरत को सड़क पार करते हुए देखा, दैट शी रिमेंबर सीइंग द मैन स्टील द कार, मेमोरी में पड़ी हुई है ये बात, अतीत की किसी घटना को अभी वर्तमान में याद किया जा रहा है, रिमेंबर आई एन जी वर्ब, क्लियर है। आई रिमेंबर मीटिंग हर, हाँ हाँ मुझे याद है तब मैं उससे मिला था, मेमोरी में पड़ी है बात, और मेमोरी में ऐसा कुछ है नहीं, आई डोंट रिमेंबर मीटिंग हर, आई डोंट रिमेंबर मीटिंग हर, आई मस्ट रिमेंबर टू मीट हर, अरे मुझे याद रखना होगा भविष्य के लिए कि मुझे उससे मिलना है, आई मस्ट रिमेंबर टू मीट हर।
रिमेम्बर प्लस आईएनजी कभी भी फ्यूचर में नहीं आएगा, भविष्य के लिए कभी नहीं आएगा। प्लीज रिमेम्बर टू लॉक द डोर, याद रखना तुम्हें दरवाजे पे ताला लगाना है, भविष्य में ही तो लगाना है, चाहे 10 मिनट बाद लगाना है, अभी तक ताला नहीं लगा है। रिमेम्बर टू लॉक द डोर। शी सेड, उसने कहा मुझे तो याद नहीं है, मेरी मेमोरी में ये बात नहीं पड़ी कि उन्होंने मुझे कार्ड भी भेजा। मेरी मेमोरी में ये बात नहीं पड़ी कि उन्होंने मुझे कार्ड भी भेजा। शी सेड शी डिडंट रिमेम्बर गेटिंग एन इनविटेशन। क्लियर है? I remember watching the film on TV का मतलब मेरी मेमोरी में ये बात पड़ी कि मैंने ये पिक्चर कभी टीवी पे देखी थी। I remember reading about it in the newspaper, मुझे याद है मेरी मेमोरी में ये बात पड़ी है कि मैंने इस घटना के बारे में अखबार में पढ़ा था। I remember seeing pictures of him when I was a child, मेरी मेमोरी में ये बात पड़ी है कि जब मैं छोटा था तब मैं इसकी पिक्चरें देखता था या कुछ भी फोटोग्राफ्स देखता था कुछ भी। क्या तुम्हें याद भी है, अभी याद है कि तुमने स्विच ऑफ किया था या नहीं किया था, याद है कि ऑन किया था ऑफ किया था क्या? डू यू रिमेम्बर Switching off the lights before we came out, अपन घर से बाहर निकले, अरे तुझे ताला लगाना याद रहा क्या? या तो हम ये पूछ, हम घर से बाहर निकल आए, अब अपन शॉपिंग कर रहे हैं, मैं तुमसे पूछती हूँ, मैं दो चीजें पूछती हूँ। Did you remember to lock the door correct? तुझे याद है क्या कि तुमने ताला लगाया या नहीं? या नहीं? Do you remember locking the door? कुछ याद आ रहा है? तुम्हारी मेमोरी में है वो बात कि तुमने ताला लगाया या नहीं? Do you remember locking the door? ये तुम्हें ताला लगाना याद रहा? Did you remember to lock the door? Did you remember to lock the door? वो did तुम्हें बता देगा। Did you remember to? Do you remember ing? Did you remember two plus first form verb? Do you remember ing? नहीं, see, do you remember Mohan? Do you remember Sohan? वो एक अलग बात है, verb आएगा तो ing आएगा। Do you remember locking the door? तुम रोज सुबह या फिर habitual action, do you remember to lock the door every day? Habitual action में आ सकता है। फिर Did you remember to switch off the lights? देखो मैंने दोनों sentences दिए। Do you remember कि तुमने ऐसा किया या नहीं? तुम्हारी memory में है ing। Did आ गया, to लगाओ। Did you remember to switch off the lights? मुझे बैठे बैठे याद करना अच्छा लगता है। I like to remember days of my childhood। मुझे बचपन के दिन याद करना अच्छा लगता है। Like to remember. Please याद रखना कि तुम्हें दूध लेके आना है। इस पल तक दूध नहीं आया, अगर 5 मिनट बाद भी आएगा तो वो भविष्य ही है। Remember to. Please remember to buy some milk. अच्छा हुआ उसको याद रहा और उसने कमरा साफ कर लिया। She remembered to clean her. Remember to, भूलना मत, याद रखना। Please remember to shut the door, बार बार दरवाजा खोल के चले जाते हो। Please याद रखना कि दरवाजा भी बंद करना पड़ता है। Please remember to shut the door. Please remember to switch off the lights. Please remember to wipe the board. उसने ऐसा करना याद रखा। Remembered to, भूला नहीं।
याद रहा, he remembered to pay the bill. उसने याद रखा और उसने बिल पे कर दिया, दोनों एक्शंस, उसने याद रखा, उसने बिल पे कर दिया. अब सडनली इलेक्ट्रिसिटी कट गई. बहन पूछती है, भाई तूने बिल नहीं जमा किया था क्या? भाई कहता, नहीं मुझे तो याद है कि मैंने बिल जमा किया. अब क्या आएगा? ING, I remember paying the bill. मैं कैसे कटा? Did not remember to, past tense, भूल गए, याद नहीं रहा. He did not remember to close the window, so the cat got in. उसने याद नहीं रखा खिड़की बंद करना, इससे बिल्ली घुस गई. Remember plus ing, मुझे ऐसा याद है, मेमोरी में कुछ पढ़ा है, कि मेमोरी में कुछ पढ़ा है, ये ing आएगा. मेमोरी में कुछ इन्फो पढ़ा है, इंफॉर्मेशन पढ़ा है, कि नहीं मैंने तो ऐसा किया था या नहीं किया था. Remember plus ing, मुझे ऐसा याद है कि I remember locking the door. I remember, मुझे याद है कि मैंने ताला लगाया था. I remember locking the door. I remember watching that film on TV. मुझे याद है कि मैंने इस पिक्चर को टीवी पे देखा था. मेमोरी में पड़ा है. The witness told the police that she remembered seeing the man steal the car. मुझे याद है कि मैंने देखा था, अतीत में देखा था, वर्तमान में याद कर रही हूँ. ING, क्लियर हो गया? डोंट रिमेम्बर प्लस ING, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है. आई डोंट रिमेम्बर मीटिंग हिम, मुझे याद ही नहीं है कि मैं कभी उससे मिला हूं. आई डोंट रिमेम्बर मीटिंग हिम. अब आप इस वीडियो को बंद करके 57 सेंटेंसेस का एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे. हाँ, डोंट रिमेम्बर प्लस आई एन जी.